इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? वी इक्वल्स टू आई आर। वी मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस था वी हमारा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती थी वोल्ट। आई हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, और आर हमें बताता है कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी थी, इनका रिलेशन, और वी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होती है तो करंट की वैल्यू कम होती है। आज हमें इस टॉपिक पे बेस इस टॉपिक के बेस पर हमें न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल 12.1 12.2 कंप्लीट कर लिए थे। अब हमें सबसे पहले एग्जाम्पल 12.3 करना है। इसको आप समझ लोगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं तो उससे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट से हमें समझना है। क्वेश्चन क्या है मैं रीड करता हूँ आपके लिए। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बैटरी है, ये एक सोर्स मान लेते हैं 220 वोल्ट का है ये, और एक आपके पास बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, और इस इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 220 वोल्ट सोर्स की बैटरी है, बल्ब का हमें कुछ नहीं दिया हुआ, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है फिलामेंट का, इसका ये फिलामेंट होता है ना बल्ब का, 1200 ओम दिया गया है। हमें करंट निकालना है। हमारे पास किसकी वैल्यू है? पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू है, वी इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ये आप लिख लोगे इजीली, आपको जो गिवन है। और हमें रेजिस्टेंस दिया गया है फिलामेंट का, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है जो टंगस्टन से बना होता है, उसको हम पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। तो उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस दिया गया है हमें, किसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम। अब हमें बताना है कि इसमें से फिलामेंट से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये तो बताना है हमें। फॉर्मूला लग जाएगा। जी वेरी गुड। बी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे हम इसमें, बी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 220 है और आर की वैल्यू 1200 हमें गिवन है। देखो इजी तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, 5 ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम कैंसिल करते हैं 11 टाइम्स, और ये 60, तो 11 अपॉन 60 एम्पियर ये करंट है। ये करंट कितना है? 11 अपॉन 60 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका पार्ट ए है। ये हमने सिंपल क्या अप्लाई करा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1200 ओम, ओम्स लॉ अप्लाई किया है, वी इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। वी की वैल्यू हमने दी गई है 220, और आर की वैल्यू भी दी गई है हमें 1200, पुट करो कैंसिल कर दो, 1160, 11 अपॉन 60। और हमेशा यूनिट लिखना याद रखना, भूलना मत इसको, यूनिट को। नहीं ऐसे ही हम जाते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड में सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 220 वोल्ट है, और अब हमें एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया गया है। मान लो इलेक्ट्रिक हीटर का ये है, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है। पता नहीं क्यों इन्होंने फिलामेंट का बल्ब, जो बल्ब का फिलामेंट था, उसको तो रेजिस्टेंस 1200 ओम दे दिया, और इलेक्ट्रिक हीटर का 100 ओम, ठीक है, कोई नहीं, हमें तो सोल्व करना है क्वेश्चन। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वी इक्वल्स टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, करंट निकालना है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। सिंपल फॉर्मूला है, 220 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, वी की वैल्यू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 2.2 एम्पियर, ये आपको याद रखना है, यार ठीक है। ये हमारा 12.3 का सेकेंड पार्ट हुआ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको लिखते भी जाया करें साथ साथ। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.4 पर। एग्जाम्पल नंबर 12.4, एग्जाम्पल नंबर 12.4 क्या बोलता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इलेक्ट्रिक हीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टर्मिनल्स के बीच में 60 वोल्ट दिया गया है। हमने वी की वैल्यू 60 वोल्ट लिख ली है, और करंट जो निकल रहा है सोर्स से, सोर्स मतलब यहाँ पर बैटरी या कोई जनरेटर कुछ भी हो सकता है, किसी से भी हमारा जो सोर्स से जो करंट निकल रहा है हमें तो वो देखना है, सोर्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उस सोर्स के लिए दी गई है 4 एम्पियर। अब हमने क्या किया,
व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. मान लीजिए वी वन है, अब हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा दी है. पहले 60 वोल्ट पे हमें करंट मिल रहा है 4 एम्पियर, तो 120 वोल्ट पे हमें करंट बताना है. आप तो सिंपली इसको वैसे ही बता सकते हो अगर एमसीक्यू में आता है, लेकिन अब हमें सोल्व करके बताना है. पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हुई, डबल. करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. क्यों, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता ना, ओम्स लॉ ये तो कहता है वी की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती है. वी की वैल्यू 60 से 120 हुई है तो इसकी 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी. अब इसको हमें सोल्व करना है, ऐसे तो नहीं लिखना है. हमें पता है ये, इसको आई वन मान लेते हैं, आई वन एज्यूम, और आई टू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है. आप ये मान लीजिए, अब आप एक बात बताइए, ये कोई बैटरी है, ये बैटरी है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ये रेजिस्टेंस है. अब ये जो रेजिस्टेंस है हीटर का, हमेशा ये कॉन्स्टेंट ही तो रहेगा, हीटर तो वही है ना, हीटर को तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहने वाला है. हम बैटरी को चेंज कर रहे हैं 60 वोल्ट से, हम इसको चेंज कर देंगे 120 वोल्ट पे, तो करंट की वैल्यू यहाँ से चेंज होने वाली है 4 एम्पियर से कुछ, ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करनी है. लेकिन अगर हमें इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, करंट हमें पता चल जाएगा. तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. आर इक्वल्स टू वी वन अपॉन आई वन. वी वन अपॉन आई वन क्योंकि वी वन हमें पता है और आई वन हमें पता है, सिंपल. जो हमें पता है उसके लिए रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 60 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस है तब करंट हमारे पास 4 एम्पियर है. तो पुट कर देते हैं वैल्यू 60 अपॉन 4 एम्पियर. तो यहाँ पर ये 15 यूनिट हमें पता है रेजिस्टेंस की ओम होती है, ये इसका सिंबल होता है. तो रेजिस्टेंस जो आ गया 15 ओम आ गया है हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर का. अब रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज किया है तो हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर से ओम्स लॉ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो करंट चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारे पास कांस्टेंट. हाँ, पर हमें वी टू की वैल्यू पता है, आई टू की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर से ओम्स लॉ लगाने के बाद. आई टू इक्वल्स टू वी टू अपॉन आर टू, ठीक है. तो वी टू की वैल्यू 120 है और आर टू की वैल्यू, या आर टू आर एक ही बात है, आर वन इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू आर टू, ये आर वन आर टू एक ही बात है. तो यहाँ पर ये कितनी आ गई है, 8 एम्पियर आ गया है. एक बार और समझते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का, करंट की वैल्यू दी गई है 4 एम्पियर. क्वेश्चन में पूछा है कि ये बताइए आप, जब हम बैटरी को डबल कर देते हैं, डबल तो नहीं बोला उन्होंने, कहा 60 वोल्ट से 120 वोल्ट कर देते हैं, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी. हमें पता था ओम्स लॉ क्या कहता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी, वी की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी. हमें हमें पता है 60 से 120 डबल हो रही है यहाँ पे वी की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू भी 4 से कितनी हो जाएगी, 8 ही आई है हमारे हमें. लेकिन हमें यहाँ पर सोल्व करना है ना, अगर एमसीक्यू होता तो सिंपल हम 8 एम्पियर को चूज कर देते, एक सेकंड में आंसर आ जाता. लेकिन अब हमें सोल्व करना है, हमें कैसे सोल्व करना है. हमें पता है जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसका रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, इस इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि हम बैटरी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी इस वी वन से और आई वन से. आर की वैल्यू आ गई 15 ओम. अब हमें आर की वैल्यू पता है, आर टू आर वन आर सभी एक बात है. आई टू की वैल्यू फिर से निकाल लो, वी टू अपॉन आर टू, तो आई टू की वैल्यू आ गई. ये एग्जाम्पल नंबर 12.4 है. अब हम चलते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 12.5 है. ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है. तो ये आप कम से कम 5 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और मुझे बताइए कि आपने की है. एग्जाम्पल नंबर 12.5 ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना, इसको समझना. कैलकुलेशन है थोड़ी सी और कुछ नहीं है इसमें. इसमें क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. एक वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो L की वैल्यू हमें दी गई है 1 मीटर. लेंथ का मतलब ये होता है 1 मीटर. जो रेजिस्टेंस है उस 1 मीटर वायर का, R की वैल्यू, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल R, 26 ओम है, ठीक है. टेम्परेचर दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस, कोई काम का नहीं है. अब हमें क्या दिया गया, डायमीटर दी गई है उस वायर की 0.3 मिलीमीटर. अभी आप सिर्फ ये समझो, हमें उसकी रेजिस्टिविटी बतानी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी बतानी है. अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हमने पढ़ा तो है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. ये हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और एरिया पर, ठीक है. लेंथ आप बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेंथ आप कम करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है.
एरिया आप बढ़ाते हो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है, एरिया आप कम करते हो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ती है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो कॉन्स्टेंट रहती है, ये हमने पढ़ा था। तो यहीं से हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू निकालनी है। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एल अपॉन ए। अभी हमको पता है आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं पता। अब ए होता क्या है, एरिया होता क्या है, हमें पता है कुछ इस तरीके से वायर होती है, ये वायर होती है ये, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इस सर्कुलर पार्ट का एरिया होता है। किसी भी वायर को आप यहाँ से देखोगे वो सर्कुलर होने वाली है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और हमें इसका डायमीटर दिया गया है, इस एरिया इसका डायमीटर, ये डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर, ये डायमीटर है। अब हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल सभी बच्चों को पता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। डायमीटर हमें पता है, हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी निकाल सकते हैं, 0.3/2 हाफ हो जाती है रेडियस, रेडियस क्या होती है डायमीटर अपॉन टू, ये तो होती है, तो ये मिलीमीटर हो गया। अब हमें पता है कि ये रेडियस आई है, हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये होती है सिंपल, और आर की वैल्यू होती है 0.3/2 × 0.3/2। अब यहाँ पर ये मिली है, मैंने आपको पहले भी बताया मिली से मिली मीटर ऐसा यूनिट नहीं होती है, मिली को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो मिली के लिए सबसे पहले सिंपल तरीका है 0.3/2, तो आप इसको एज इट इज रखो। मिली को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 होता है, या 1/1000 से डिवाइड कर दो, या 10^-3 एक ही बात है, तो ये आ गया है। तो हमने यहाँ पर 10^-3 और 10^-3 ये लिख दिया एज इट इज। एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं 22/7 × 0.3/2 × 0.3/2, और यहाँ पर ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, -3 और -3 ऐड करेंगे तो -6 आ जाता है। ये एरिया की वैल्यू है अब हमारे पास। अब समझो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आर की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, तो लेंथ एरिया ये हमारे पास आ गया है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व कर लेते हैं एरिया को, एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास 22/7 × 0.3 × 0.3/2 × 10^-6 मीटर स्क्वायर। अगर हम ये डेसिमल इनके हटाते हैं तो यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से 11 times, ये 3 × 3 9, 9 × 11 99/14 आ गया हमारे पास, 7 × 14 × ये 10^2 है ऊपर। हाँ बोलिए सर, ये 10 और उसके ऊपर क्या है सर, ये -6 है, ये 10^-6 है, ये 10^2 लिख सकता हूँ, 110। ये हमने मिलीमीटर था ना, 0.3/2 मिलीमीटर था रेडियस, मिलीमीटर हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया है 0.3/2। मिली का मतलब एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं ना, 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पर ये एक मिलीमीटर में अगर हमें मीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1/1000 करना पड़ेगा। एक मिलीमीटर में यहाँ से कितने हो जाते हैं, कितने मीटर हो जाते हैं, 1/1000 मीटर, 1/1000 को हम 10^-3 भी लिख सकते हैं, ये 10^3 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर ले जाएंगे तो इसको 10^-3 मीटर भी लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर = 10^-3 मीटर, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 10^-3 मीटर लिखा। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको 10^ में ही लिखें, 1/1000 करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ये देखो 10^2 है, इस 10^2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 10^-6 × 10^-2 मीटर स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड कर देते हैं, -6 और -2 हो जाती है हमारे पास -8, और 99/14 एज इट इज इंटू मीटर स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 99/14 को डिवाइड कर दो आप, ठीक है, तो यहाँ पर 14 और 99, ये हमें सिंपल क्या करना, डिवाइड करते हैं तो इसको। हाँ बोलिए सर, इसका एक जीरो कहाँ पे गया सर, ये 100 था ना, 10 को हम लिख सकते हैं 10^1, 100 को हम लिख सकते हैं कितने जीरो है, 10^2, 10^2 इंटू का मतलब क्या होता है, 10 × 10 ही होता है, तो इसलिए हमने 10^2 लिखा है, 10^2 ऊपर गया है तो माइनस 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 6 और -2 हो जाएगा 8, तो ये आ जाता है 7.07, 14 7 जा 98,
और 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर से 0 लगाना पड़ेगा हमें, फिर 14.7 कर देते हैं, 7.07 इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर। ये अब आपके पास सिर्फ एरिया आया है, ये हमने एरिया की वैल्यू फाइंड आउट की है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट कर लेना। 7.07। हाँ बोलिए। देखो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होता है सर्कल का? सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर 22.7 लिखी, कोई इशू इसमें नहीं। अब हमें सर्कल का डायमीटर दिया गया है 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर डायमीटर दिया गया है। डायमीटर से हम रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0.3 या 0.2 हाफ करेंगे ना उसको, हाफ हो जाएगा। तो 0.3/2 इनटू 0.3/2 हमने दो बार लिख दिया क्योंकि पाई आर स्क्वायर है। कैलकुलेशन समझ में आ गया? ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट अभी बताता हूँ। अभी आपने जो है यहाँ पर एरिया की वैल्यू आपके पास 7.07 है इंटू 10^-8 मीटर स्क्वायर है। आपको गिवन क्या है? लेंथ दी गई है 1 मीटर, रेजिस्टेंस दिया गया है 26 मीटर, इसमें 26 ओम। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ देखो रेजिस्टिविटी निकालनी है हमें। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। कहाँ से आता है फॉर्मूला? ये आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता ना, यहाँ पर ये आर एल अपॉन ए आ जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल ये आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सही पे ठीक है। तो ये है हमारे पास आ गया है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। आर ए अपॉन एल है हमारे पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में आर की वैल्यू है हमारे पास गिवन है 26 ओम, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है, एरिया की वैल्यू हमें निकालने में दिक्कत हो रही थी इसलिए हमने उसको एक तरफ से निकाल ली कैलकुलेशन में। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी थी बस। अब वैल्यू आप पुट कर दो, रो इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू 26 है, एरिया की वैल्यू हो जाएगी 7.07 इंटू 10^-8 और लेंथ की वैल्यू आपके पास 1 पहले से ही है। अब हमें करना क्या है, 26 की मल्टीप्लाई 7.07 में करते हैं तो ये रहता है हमारे पास 183.82। सिर्फ इतने पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं। 1 है, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिवीजन में, 26 की मल्टीप्लाई 7.07 में की है, 183.82 आया इंटू 10^-8 और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो यहाँ पर ये ओम मीटर। लेकिन इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन में ये 2 डेसिमल इधर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या है, 1.83 हो जाएगी, 1.83 लगभग 1.84 ही हो जाएगी राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये क्या है, 1/10^-10^8। यहाँ पर हम जब इसमें वैल्यू को कम करेंगे तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये माइनस में है वैल्यू, इसलिए 10^-, ये छोटी हो जाएगी। मतलब होनी तो मान लीजिए ये होता है यहाँ पर 183.82 इंटू 10^8 होता। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे करते तो ये वैल्यू क्या हो जाती, 10^2 ऐड हो जाती इसमें और ये 10^10 हो जाता, ये होता। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में हमें ये 0 के पास जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर बड़ी करने का वैल्यू, बड़ी करने का मतलब है वैल्यू को छोटी करना, नेगेटिव में अपोजिट हो जाता है इसके, तो ये ओम मीटर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई है 1.84 इंटू 10^-6 ओम मीटर। ये आपका स्टैंडर्ड आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए, सबसे पहले डायमीटर अगर उसमें मिलीमीटर में है उसको मीटर में करो, ठीक है, रेडियस निकालो और सबसे पहले एरिया निकालो। जब आपके पास एरिया देखो आ गया है तो सिंपल आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, आर ए अपॉन एल। एरिया हमने निकाला क्यों, जब हमने देखा रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है, आर की वैल्यू है हमारे पास, एल की वैल्यू है, लेकिन ए की वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने इसको एरिया निकाला है, ठीक है। हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं निकालते हैं, तो हमने इसको फाइंड आउट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज की क्लास में आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है एग्जाम्पल नंबर 12.6, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्वेश्चन, इसको इन सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पढ़ता हूँ मैं आपको, आपके आपके लिए क्वेश्चन ये, अ वायर ऑफ
हेलो। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 12.6, एग्जाम्पल नंबर 12.6 में क्या दिया गया? एक वायर है गिवन मटेरियल की, गिवन मटेरियल कुछ भी मटेरियल से बनी हुई एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, तो हमने उसको एल एल लिख दिया यहाँ पर, ये उसकी लेंथ एल हो गई है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ए मान लिया। मान लीजिए एल वन की वैल्यू एल है और ए वन की वैल्यू ए है, और उसका रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, आर वन की वैल्यू 4 ओम मान लिया। अब हमने कहा है एक दूसरी वायर है लेकिन वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, और मैंने आपको बताया था जब कभी कहीं पर भी लिखा हो कि वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है तो उनकी रेजिस्टिविटी रो वन की वैल्यू सेम होने वाली है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और इस दूसरी वायर का जो लेंथ है वो एल अपॉन टू है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2a, हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। सबसे पहले यहाँ पर हम रो वन की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगी, आर वन ए वन अपॉन एल वन, और रो वन की वैल्यू रो है, आर की वैल्यू 4, और यहाँ पर ए वन की वैल्यू ए, एल की वैल्यू एल, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहाँ से रो टू इक्वल्स टू आर टू इंटू ए टू अपॉन एल टू हो जाएगा, और रो टू की वैल्यू रो है, आर टू की वैल्यू निकालनी है हमें, फाइंड आउट करनी है। आर टू की वैल्यू आर है, ए टू की वैल्यू 2a है, हमारे पास ये गिवन है, और लेंथ की वैल्यू एल अपॉन टू है, ये सेकेंड इक्वेशन। इनको हमें इक्वेट कराना है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, तो इक्वेट करा देते हैं ये 4a अपॉन एल इक्वल्स टू आर इन टू, ये इसको हम आर टू ही लिखते हैं, सबसे पहले आर टू ही लिखते हैं, 2a अपॉन एल अपॉन टू। और मैंने आपको बताया था जो सेम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल। अब हमारे पास ये 1/2 बचा है, 1/2 को हम इधर ले आते हैं, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और हमारे पास आर टू इंटू 2 इक्वल्स टू 2 आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तो आर टू की वैल्यू आ जाती है 1 ओम, तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1 ओम। इस क्वेश्चन को अगर आप कंसेप्ट वाइज समझना चाहते हो समझो, यहाँ पर हमने लेंथ की वैल्यू हाफ करी, हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था 4 ओम था, लेंथ हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाती है, तो 4 से हमारे पास लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस जो है 2 ओम हो जाना चाहिए। फिर हमने क्या किया, एरिया की वैल्यू डबल करी, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, सॉरी रेजिस्टेंस। जैसे आपने एरिया बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, डबल किया है एरिया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, इसका हाफ भी कितना होता है 1 ओम, इसलिए 1 ओम आया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये एग्जाम्पल नंबर 12.6 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 209 की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। हमें पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एरिया पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, और कंडक्टर के लिए टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये चीजें आपको लिखनी है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें करते हैं सोल्व, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स। एक जो करंट है वो थिक वायर से या थिन वायर से किससे करंट इजिली फ्लो होगा, हमें पता है थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है और करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम यहाँ पर करंट, सॉरी आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ही कम करंट होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है। सिंपल सी बात, अगर ऐसा समझ नहीं आता तो जितना चौड़ा रोड है उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। ऐसे भी समझ नहीं आता, जितना चौड़ा रोड होता है, जितना चौड़ा रोड होता है उसमें से जो कार्स हैं या बाइक्स हैं वो तेजी से चल सकती है, यहाँ पर कार और बाइक क्या है, चार्जेस हैं आपके, जितनी ज्यादा चार्जेस तेजी से चलेंगे उतना ही आपको करंट मिलने वाला है। यहाँ पर तो छोटा सा रोड है, मतलब एरिया बहुत कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपको पता है करंट और कम होने वाला है, कंसेप्ट वाइज ये बात हो गई। समझना है आपको, कैसे भी समझो, एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है करंट का रिलेशन रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, थिक वायर का या थिन वायर का, हमें पता है रेजिस्टेंस जो ज्यादा होने वाला है थिन वायर का होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस जिसका कम है उसके लिए करंट ज्यादा हो जाएगा, तो थिक वायर में करंट इजीली फ्लो करने वाला है, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से ही आपको क्वेश्चन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एक रेजिस्टेंस हमें जो है दिया गया है वो सेम है, ठीक है. एक कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, हीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है. अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, हाफ कर दिया. पहले V मान लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसकी वैल्यू हमने हाफ कर दिया V अपॉन टू. और हमें बताना है कि करंट की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा. तो सिंपल है, I1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, V अपॉन आर ओम्स लॉ लगाओ आप. और I2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर V की वैल्यू V अपॉन टू है और ये R है, तो ये V अपॉन टू R हो जाएगी. अब हमें पता है I1 की वैल्यू कितनी, ये V अपॉन R किसकी वैल्यू है, I1 की. तो यहाँ पर ये V अपॉन R अगर हम पुट करते हैं तो ये I1 हो जाएगा, ये I1 अपॉन टू हो जाएगा. तो जो हमारा करंट है अब वो हाफ हो गया है. ऐसे भी समझ नहीं आता तो सिंपल देखो, रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने हाफ कर दिया. ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप कम करोगे तो करंट की वैल्यू भी कम होगी. यहाँ पर तो क्लियर बता रहे हैं कि हाफ कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, इसलिए करंट की वैल्यू हाफ हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, फोर्थ और फिफ्थ को, इसको हम पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में. तो इतना हो गया, ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे हो गए, इनको आप प्रैक्टिस करो मिनिमम 5 times, इनको प्रैक्टिस करो मिनिमम 5 times. जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. कल को हमें रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है, किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, पैरेलल में. और जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे मैसेज करो पर्सनली कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है और क्लास में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्लास करनी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास करते हैं कल. ओके बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. या वेलकम.